चुनावी सीजन में नफरती एजेंडे का लाउडस्पीकर ऑन हो गया है और इस लाउडस्पीकर में सबसे तेज आवाज सुनाई दे रही है ओवैसी ब्रदर्स की। मोदी से गांधी तक सब इनके निशाने पर हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि फसल पक गई है, काटने का वक्त आ गया है। कौन सी फसल पक गई है, किसे काटने का वक्त आ गया है? ओवैसी ब्रदर्स की कई नजीरें ऐसी हैं कि कान खड़े हो जाते हैं। लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो दिल्ली की सल्तनत के लिए भी एक प्लान बना लिया है। क्या है भाईजान का मंसूबा, इसके लिए किसी खास दिन को ही क्यों चुना जाता है, पूरी रिपोर्ट देखिए। ओवैसी का कम्युनल खेल आ गई दाढ़ी टोपी इलेक्शन में। हेट टेप ऑफ ओवैसी ब्रदर्स, खुल्लम खुल्ला ध्रुवीकरण। मुस्लिम वोट तो बटेगा लेकिन ओवैसी को कितना मिलेगा? चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर नजर गड़ाए ओवैसी ब्रदर्स पूरी तरह से एक्टिव हो गए। ओवैसी ब्रदर्स की भड़काऊ पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, लेकिन मोदी गांधी क्यों सबको खामोश करना चाहते हैं? जूनियर ओवैसी, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। आखिर क्यों ओवैसी के चुनावी शोर में बार बार बाबरी आ रहा है? क्या उनके दिमाग में मुसलमानों को भड़काने की कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है, अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोहतक का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था, क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को दिखा रहे हैं लिंचिंग का डर? हम किसी को छेड़ रहे नहीं हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तकवीयत मिले। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक ब्रदर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को समझा रहे हैं कि अब फसल काटने का वक्त आ गया है, तख्त पर हमारी मर्जी के बिना कोई बैठ नहीं सकता। एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है और एक वक्त फसल काटने का होता है। फसल तैयार है, काटने का वक्त है, समझो मेरी बात को। उधर असदुद्दीन ओवैसी नासिर जुनेद और कन्हैया लाल मर्डर का नाम लेकर इलेक्शन पिच तैयार कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी नई तरह की पॉलिटिक्स सेट करने में जुटे हैं। बीजेपी का डर दिखाते हैं लेकिन ये भी बताते हैं कि कांग्रेस भी मुसलमानों का भला नहीं करने वाली। ओवैसी के निशाने पर मोदी रहते हैं तो राहुल गांधी को भी वो नहीं बख्शते। ओवैसी ये नैरेटिव बनाने में जुटे हैं कि मुस्लिमों को सभी ने ठगा है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा है। कांग्रेस पर यकीन मत करिए, मैं देख चुका हूं कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान ने क्या किया। राजस्थान में आप देख लो कि जुनेद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनेद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख दिए। वही कन्हैया लाल जिसको दहशतगर्दों ने मार दिया उसको 50 लाख और नौकरी, मगर जुनेद और नसीर को कोई नहीं। कांग्रेस की हुकूमत है, जब प्लेन के कंपार्टमेंट में एक दहशतगर्द ने
उसमें उसको शहीद कर दिया उस दहशत गर्द ने। एक और मरने वाला बिहार का था, राजस्थान में रहता था। बताओ कांग्रेसियों, बिहार में नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए? ये यही चाहती है कि हमको डराया जाए, मुसलमानों को डराया जाए, डरा करो हासिल किया जाए। और बड़े बड़े आकर चले गए, हमने बीजेपी की बंडी में पंचर लगा दिया तो कांग्रेस को भी इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, पंचर लगाएंगे उनको भी। मुसलमानों की अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो उसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। अगर आज हमारे पास भारत के मुसलमानों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका जिम्मेदार नेहरू और सरदार पटेल है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट से किस तरीके से इनको धोखा दिया गया। ओवैसी की पार्टी AIMIM के लोकसभा में 2 सांसद है। ओवैसी खुद हैदराबाद सीट से जीते तो सैयद इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट से जीत मिली। हैदराबाद सीट पर 65% अल्पसंख्यक मतदाता है, वहीं औरंगाबाद सीट पर 35% मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना मिलाकर कुल 14 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बिहार के सीमांचल इलाके में AIMIM के 5 प्रत्याशी जीते, हालांकि बाद में 4 RJD में शामिल हो गए। सभी सीटें मुस्लिम बहुल थी। महाराष्ट्र में भी पार्टी के 2 विधायक हैं, वहीं तेलंगाना से पार्टी के 7 विधायक चुने गए, जिसमें 6 सीटें हैदराबाद लोकसभा के तहत ही आती हैं। सभी सीटों पर मुस्लिम 50% से अधिक हैं। अब ओवैसी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, लोकसभा और विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं। लेकिन ये तब होगा जब सियासत हिंदू वर्सेस मुसलमान की होगी और मुस्लिम ओवैसी की पार्टी को वोट करेंगे। यही वजह है कि मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे को ओवैसी उठाते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मैसेज देते हैं कि उनका सबसे बड़ा हमदर्द सिर्फ ओवैसी ही है। ओवैसी की नजर तेलंगाना पर है। दरअसल तेलंगाना में मुसलमान करीब 13% है, लेकिन 119 सीटों में से करीब 42 पर इनका असर है। 29 विधानसभा सीटों पर 15% मुस्लिम मतदाता है, वहीं 13 सीटों पर 10-15% मुस्लिम है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी ने आखिर क्यों हेट स्पीच का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया है? किस डर से ओवैसी ब्रदर्स मुसलमानों को भड़काने में जुट गए हैं? ये समझने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM का चुनावी परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। दरअसल ओवैसी ने हैदराबाद के 4 मीनार के दायरे से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन फेल हुए। यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 100 कैंडिडेट उतारे, 100 उम्मीदवारों में से 99 की जमानत जब्त हुई। यूपी निकाय चुनाव में 9 उम्मीदवार उतारे, 8 सीटों पर AIMIM की जमानत जब्त हो गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतारे 2 कैंडिडेट, कर्नाटक में भी AIMIM की जमानत जब्त हुई। बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी राहत तलाशने उतरे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सारे सपने धराशायी हो गए। बंगाल की सभी 7 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। AIMIM को एक भी सीट नहीं मिल सकी। अभी हाल में झारखंड के डुमरी उपचुनाव में भी ओवैसी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन जमानत बचाना तो दूर की बात, नोटा से कम वोट हासिल कर पाए। तेलंगाना में जल्द ही चुनाव है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स की नजर सिर्फ तेलंगाना पर नहीं बल्कि उनका इरादा कहीं बड़ा है। ओवैसी की पार्टी पूरे मुस्लिम वोट पर नजर गड़ाए हुए है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।